उत्सव का नाम आते ही रामलीला और रावण दहन की छवि मानस पटल पर होती है। इसमें दशहरा के अंत में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन जिला कोंडागांव के कुछ छोटे से गांव में 4 दशकों से भी ज्यादा समय से अनोखी परंपरा रही है, जहां रावण बनाया तो जाता है लेकिन उसे जलाया नहीं जाता, बल्कि मिट्टी से बने रावण का वध किया जाता है। यह अनोखी परंपरा ग्राम हिर्री और भूमिका में होती है। यहाँ कम से कम 80-85 सालों से हम लोग रामलीला का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और जहाँ तक है रावण पुतला दहन की बात, तो हम लोग यहाँ पर रावण का दहन नहीं करते हैं, बल्कि उसे थोड़ा सा खंडित कर देते हैं। रावण का अगर पुतला दहन करते हैं तो पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है, अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तो अनेक प्रकार की खराबी भी हो जाती है, बीमारी भी हो जाती है। और रहा सवाल उसके अमृत के, तो उसके अमृत को हम लोग तिलक करते हैं, और तिलक करने के बाद सब लोग शांति प्रतीक लेते हैं माथे पे, और इससे हमारे मन को शांति मिलती है और हमको ऐसा लगता है कि हम रावण की बुराई को तोड़ते हैं, ठोक के तोड़ते हैं।